हेलो क्लास 10, आई वेलकम यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ओम्स लॉ. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिजिक्स. ओके, नॉट ओनली फॉर 10th बट ऑल्सो फॉर द अपकमिंग ईयर्स इफ यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर साइंस. ओके, ओम्स लॉ डिफाइंस अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर. इसमें से कितना करंट जा रहा है और उसके ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इन दो क्वांटिटीज के बीच में वो क्या करता है, एक रिलेशन स्पेसिफाई करता है, एक रिलेशन स्टेट करता है जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम का है. ठीक, अब देखते हैं क्या किया है इसने. और सबसे पहले अपन समझते हैं इसके सर्किट डायग्राम को. अगर आप इसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एक रजिस्टर है. ठीक, एक रजिस्टर है. इस रजिस्टर के अंदर एक वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है. ठीक है, जो वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है. ठीक है, कैसा लगा हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं. जबकि आप ये देखेंगे ये क्या है, एमिटर है. ये कैसा लगा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है. ठीक, एक वोल्ट मीटर, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में एमिटर. एमिटर यहाँ लगाऊं, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, सब जगह क्या देगा, सेम वैल्यू देगा. बस इसको मैं इसके पैरेलल ब्रांच में नहीं लगा सकता. यहाँ पे अगर मैंने कहीं लगाया तो मेरी वैल्यूज चेंज हो जाएगी. जबकि इधर इधर जब का मेरा जो मेरा लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर कहीं पर भी चलाऊंगा तो मेरा काम हमेशा बन जाएगा, हमेशा सही आंसर आएगा. उसके बाद मैंने लगाई है यहाँ बैटरी. ये बैटरी क्या करेगी, मेरे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने में मदद करेगी. उसके बाद ये मैंने रियोस्टेट. ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है. क्या है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका नाम होता है रियोस्टेट. ठीक है, ये मेरे को क्या करेगा, मेरे सर्किट के अंदर अलग अलग अमाउंट ऑफ क्या करेगा, करंट फ्लो करवाने में मदद करेगा बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ठीक है, तो जब मैं रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आपको इतना बोल रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा. पहले वी आर हैविंग थ्री काइंड ऑफ थिंग्स. पहला है कंडक्टर, दूसरा है आपके पास में इंसुलेटर, और तीसरा है आपके पास में रेजिस्टर. जो पहली चीज है कंडक्टर, वो क्या करता है कि जब आप उसके ऊपर एक छोटा सा पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो उसमें करंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री है टू मूव, तो वो सारे सारे फ्री मूव होना शुरू कर जाते हैं, सारे सारे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर जाते हैं इजीली, बहुत ही आसानी से, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन इफ इट इज अ आइडियल कंडक्टर. मैं अगर आइडियल कंडक्टर की बात करूं, एक अच्छा सिद्धांतवादी एकदम सबसे प्यारा कंडक्टर अगर लूं, तो विदाउट एनी अपोजिशन ही इज गोइंग टू अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू इट. वो इजीली अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए इजाजत दे देगा. जबकि मैं बात करूं आपसे इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर एक ऐसी चीज होती है जो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगी इजीली. वो मतलब जितना संघर्ष कर पाएगी करेगी. जैसे आप अगर देखें वुड को, तो वुड के ऊपर अगर आप हाई पोटेंशियल सप्लाई कर देंगे, उसको सप्लाई दे देंगे करंट की, तो बहुत ज्यादा अगर आप दे देंगे तो जल जाएगी. ठीक है, मिट जाएगी, लेकिन अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देगी. कितना भी आप उसके ऊपर क्या कर लें, आप पोटेंशियल अप्लाई कर लें. सेम जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, स्विचेस वगैरह होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जब हाई पोटेंशियल आता है तो करंट के कारण, हाई पोटेंशियल के कारण आपके स्विचेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिघल करके नीचे गिर जाते हैं. लेकिन हाँ, वो अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते हैं, तो वो होते हैं इंसुलेटर्स. फिर आते हैं हमारे प्यारे रेजिस्टर. अब ये क्या होते हैं, थोड़े विचित्र जीव होते हैं. दे आर लाइक, वी विल अलाउ यू करंट टू पास थ्रू अस बट यू नीड टू ड्रॉप सम पोटेंशियल ऑन अस. लाइक अगर रेजिस्टेंस है तो वो क्या कहेगा कि मेरे ऊपर आप पोटेंशियल को ड्रॉप करो तो मैं आपको अपने अंदर से जाने की इजाजत दूंगा. अगर आप मेरे पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल को ड्रॉप नहीं करोगे जितनी मुझे रिक्वायर है, मैं आपको अपने अंदर से फ्लो होने की इजाजत नहीं दूंगा. तो रेजिस्टर का, रेजिस्टर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट. प्लीज अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑल्दो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन फर्दर चैप्टर. ठीक है, बट देन ऑल्सो अभी भी आप एक बार नोट कर ले, resistance is defined as the property of a conductor to provide hindrance in the flow of current. Okay, तो current के flow में जो hindrance provide करने की tendency होती है एक conductor की, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, resistance नाम देते हैं. आप उस पर sufficient amount of potential को drop कराओ, then it is going to allow you to allow current to pass through it. Otherwise, it is not going to allow. Okay? चलिए, हमने इतना सा पढ़ लिया. बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की.
अब इसके अंदर क्या किया गया, ओम्स ने ऐसा बोला, ही इज अ फेमस साइंटिस्ट, इसने क्या बोला कि अगर आप इसके अंदर करंट को इंक्रीज करोगे, करंट पासिंग थ्रू योर रेजिस्टेंस को आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, सिग्निफिकेंटली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आपने करंट इंक्रीज किया, आपका पोटेंशियल भी साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आपने करंट को और इंक्रीज किया, आपका पोटेंशियल फिर से आपने क्या देखा, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो, इन द सेम ऑर्डर आपका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दे बोथ आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग साइमल्टेनियसली, ऑन इंक्रीमेंट इन वन क्वांटिटी अदर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ऑन डिक्रीमेंट ऑफ वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो दोनों ही चीजें हैं वो आपस में क्या चल रही है, सामंजस्य से चल रही है, दे आर हैविंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो यहां पे अपन बोलते हैं V is directly proportional to I. इसका मतलब on increasing V, current passing through the conductor will increase. On decreasing the potential drop across these two terminals of this resistor, current flowing through it will also decrease. But यहाँ पे एक बहुत ही important condition है, terms and conditions applied, जो ऐसा बोलती है कि ये सब बातें तुम्हारी सही है, बट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड गिवन फिजिकल कंडीशन। मतलब एक गिवन टेम्परेचर पे आपकी बात सही है, अगर आप अपने टेम्परेचर को चेंज करोगे, ठीक है, तो ये आपकी जो बात जो आपने लिखी है वो क्या हो जाएगी, झूठी साबित हो जाएगी, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, और सारी अपनी बात क्या हो जाती है, यहाँ पे फेल हो जाती है। इसलिए हमें ये बोलना बहुत जरूरी है दैट टेम्परेचर मस्ट बी कैप्ट कॉन्स्टेंट। ठीक है, दिस एक्सपेरिमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड इन गिवन फिजिकल कंडीशंस। तो ये आपका क्या है, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट और ओम्स लॉ की दो लाइन की डेरिवेशन बहुत अच्छे से कर लें। आपका जितनी बार मैं टेस्ट लूंगा उतनी बार ये चीज आपके कोर्स में होगी, आपके पेपर में आप इसको देख पाएंगे। खुला बोल रहा हूँ, अगर इसको प्रिपेयर करके आप लोग नहीं बैठेंगे तो सोचना मत कि मेरे टेस्ट के अंदर आपके नंबर आ पाएंगे। चलिए, तो जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा है तब तब एक नया कांस्टेंट जुड़ा है। जो इस टाइम कांस्टेंट जुड़ा वो क्या था आपका, आर। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस। तो यहां से आपको एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो क्या बोलता है, दैट वी इज इक्वल्स टू आई आर। वी इज इक्वल्स टू आई आर, ये है फेमस ओम्स लॉ। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। चलिए, अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ की। इसके अंदर सबसे पहले अपने को दो चीजें करनी है। पहला, एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, तो उसके लिए अपने को हमारा सर्किट डायग्राम चाहिए। दूसरा, ठीक है, उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल और ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। मैं किस तरह से बना रहा हूँ ये मैंने अपने हाथ से बनाने के लिए इसीलिए छोड़ा था कि आप भी मेरे साथ साथ बनाएं और समझें कि चीजों को बनाना किस तरीके से है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब आप सर्किट डायग्राम्स को ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक बैटरी। बैटरी बनाने के लिए एक लंबी डंडी और एक छोटी डंडी, कभी भी दोनों को बराबर मत बनाइएगा, वो कैपेसिटर बन जाता है। ठीक, फिर इसके आगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, यहां से आपका एक एमीटर, यहाँ से आपका रजिस्टर जिसके ऊपर आप ओम्स लॉ का टेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ से आता हुआ आपका रजिस्टर। ठीक है, तो अब ये वाला जो आप डायग्राम देख रहे हैं, वापस देखें, फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये करके इस तरीके से, दिस इज एग्जैक्ट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियोस्टेट। ठीक है, दिस इज हाउ रियोस्टेट इज मेड। ठीक है, ये बैटरी है तो एक साइड प्लस एक साइड माइनस वी वोल्ट्स। ठीक, ये आपका एमिटर है, करंट हमेशा कहाँ से जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। हम लास्ट चैप्टर के लास्ट जो हमने क्या किया है, लेक्चर पढ़ा है, उसके अंदर चीज देखी है। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर। ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी पॉइंट, यहाँ पे लगा रखा है हमने एक वोल्ट मीटर। ठीक, यहाँ तक किसी को तकलीफ आ रही है तो बताओ। ठीक, इतना ईजी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर अपन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किस तरीके से किया। सबसे पहले हम एक ऑब्जर्वेशन टेबल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं।
चलिए अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल में मैं क्या बनाया, तीन ब्लॉक हैं। पहले के अंदर मैं क्या करूंगा आपका वोल्ट्स, मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग, जिसके जो असाइनमेंट है वो क्या होगी, वोल्ट्स होगी। अगले में भरूंगा मैं एमीटर की रीडिंग, जो किस में होगी, एम्पेयर में होगी। और जो तीसरा भरूंगा वो मैं करूंगा आर, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से। मेरे को ओम्स लॉ मेरे को क्या बोला था, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो आर क्या होता होगा, वी डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। तो यहां से मैं निकालूंगा मेरा रेजिस्टेंस, डन। तो यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा और ये दो मैं क्या करूंगा, रीडिंग मेरे इस मेरे सेटअप से ले लूंगा, ठीक है। तो अपन लोग भरेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, तीन ऑब्जर्वेशन लेते हैं, बाद में उनका मीन ले लेंगे। चलिए पहली चीज देखते हैं हम लोग, वी वोल्टेज मैंने यहाँ पे जब कुछ अप्लाई किया और यहाँ से मेरे रियोस्टेट भी पोजिशन पे सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट केस के अंदर मेरा जो पोटेंशियल आया वो आया 10 वोल्ट, ठीक है। कितना आया, 10 वोल्ट। उस केस के अंदर मेरा जो एमीटर था इसके अंदर, ठीक है, जो मेरा एमीटर था इसके अंदर मेरी रीडिंग आई 0.5 एम्पेयर, ये इसकी फर्स्ट रीडिंग थी, ठीक। तो मैंने लिख लिया कि यहाँ पर आया मेरा 10 वोल्ट्स और ये आया 0.5 एम्पेयर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फिर से इसके अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा कम किया। अब रेजिस्टेंस कम करना है तो मैं इसको क्या लेके जाऊंगा, थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, ठीक। जैसे मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया, इस नेट रेजिस्टेंस के अंदर क्या हो गया, कम हो गया, तो उसकी वजह से करंट इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो करंट इंक्रीज हुई तो मैंने नेक्स्ट चीज लिखी कि सेकेंड टाइम जब मैंने इसके अंदर देखा तो मेरे को यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 20 वोल्ट हो गया, जबकि इसके अंदर क्या आया, 1 एम्पेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गई रीडिंग, 1 एम्पेयर। तो 20 वोल्ट और 1 एम्पेयर, ठीक। अगला, तीसरी बार जब मैंने देखा, तीसरी बार मैंने इसको फिर से क्या किया, आगे थोड़ा सा शिफ्ट किया, तीसरी बार मैंने जब इसको और आगे शिफ्ट किया तो उस टाइम पे मेरे को मिला, यहाँ मिला मेरे को 30 वोल्ट और यहाँ पे मेरे को तीसरी रीडिंग मिलती है 1.5 एम्पेयर। तो यह 30 वोल्ट 1.5 एम्पेयर, ठीक। तो साइमल्टेनियसली मैं क्या करता गया हूं, दोनों रीडिंग्स को यहां पे लिखता गया हूं। अब मैं जब यहां से निकालता हूं आर, तो देखें वी बाय आई, तो यहां पे मैं नीचे क्या लिखा, फर्स्ट के लिए कर देते हैं कैलकुलेशन, R1 अगर फर्स्ट केस में निकालू तो वो क्या आएगा मेरे पास, वी मतलब 10 डिवाइडेड बाय 0.5, वो क्या आ जाएगा, 20। सेकंड में देखें, सेकंड में क्या है, अगेन डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तीसरे में क्या है, R3 दैट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1.5 दैट इज इक्वल टू अगेन 20 ओम। तो इन एवरी कंडीशन आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट, ठीक है, आई एम गेटिंग द सेम रिजल्ट। यहाँ पे क्या आ रहा है मेरा, 20 20 20। अब ये सिंबल देखें, वो थोड़ा सा अजीब बना है, बाकी ऐसा होता है, ये ओम्स का ओमेगा इसका सिंबल का नाम होता है, तो ये ओम्स का अपना सिंबल इस तरीके से बनता है, डन। अब प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ, चलिए देखें। यहाँ पे आएगा आपका पोटेंशियल, तो यहाँ लिख देते हैं वी इन वोल्ट्स, ठीक। यहां पे आएगा आपका करंट, तो लिख देते हैं आई इन एम्पेयर, ठीक। लेट्स मेक मार्किंग, तो यहां पे कर 0, फिर इसके थोड़ा सा आगे अपना आ जाएगा 0.5, फिर 1, फिर 1.5, तो 0.5 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, 1.5 एम्पेयर, जबकि यहां पे मार्किंग कर देते हैं 10, ठीक है, उसके ऊपर 20, फिर उसके ऊपर 30, ठीक। तो 10, 0.5, 1 और 1.5, तो फर्स्ट अगर अपन देखें तो 10 के ऊपर 0.5, ये 10 और ये 0.5, तो फर्स्ट अपना पॉइंट यहां पे मिलेगा, ओके। सेकंड देखें तो क्या आएगा, 20 पे 1, तो 20 पे 1
वन, तो अगला पॉइंट अपने को कहीं यहाँ मिलेगा। अगला है 30 पे 1.5, तो 30 पे 1.5, तो अगला पॉइंट अपने को कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो जब मैंने इसको देखा तो मेरे को मिला कि सारे क्या है, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में है। तो ऑन जॉइनिंग दीज ऑल थ्री पॉइंट्स व्हाट आई गेट, ये मेरी स्ट्रेट लाइन अपने को मिल गई जिसके ऊपर तीन पॉइंट है। तो जैसे ये वाला फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ठीक। ये तीन मेरे पास क्या आ गए, यहाँ पे पॉइंट आ गए। तो हमेशा मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जो स्ट्रेट लाइन है ये मेरे को रेजिस्टेंस को क्या करती है, डिनोट करती है कि रेजिस्टेंस हमेशा क्या रह रहा है, कॉन्स्टेंट रह रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसका जो स्लोप है, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ, लिख लीजिएगा इसको, स्लोप ऑफ वी आई कर्व। अच्छा, फिजिक्स के अंदर ग्राफ नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कर्व, ठीक। तो स्लोप ऑफ वी आई कर्व मतलब वोल्टेज करंट कर्व इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बराबर होने का मतलब क्या है, कि जितना ज्यादा स्लोपी होगा उतना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा। लाइक आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो अगेन ये क्या है, वी आई कर्व है, ये वी और ये आपका आई, इसके अंदर दो आपके क्या है, कर्व है, ठीक है, ये हुआ ए कर्व, ये हुआ बी कर्व, ठीक है। तो अगर आपको मैं पूछूं कि ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो आप देखोगे कि ज्यादा टेढ़ा कौन है, ए या बी, स्टीप स्लोप किसका है, बट नेचुरल है, ए का नहीं, किसका है, वो बी का, ज्यादा इसका क्या है, स्लोप है। तो जिसका ज्यादा स्लोप होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होता है। लिख लीजिएगा, मोर स्टीप स्लोप ऑफ द कर्व मोर इज इट्स रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए, ठीक है। तो ये आप लोग क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद एक तरह का और क्वेश्चन आता है इसके अंदर, ठीक है, वो कभी कभी आता है बट आपको आना चाहिए। अब क्या हो कि अगर आपको इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स दे दे, ठीक है, लाइक ये दे दे आपको V1, सॉरी I1, V1, ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा दे दे, क्या दे दे, I2, V2, ठीक। अब इस कर्व के ऊपर कोई भी दो आपको क्या दे दे, पॉइंट्स दे दे, और बोले आपकी रेजिस्टेंस निकालो, या आपको ऐसी कोई टेबल दे दे, बोले आप रेजिस्टेंस निकालो। आप सिंपल सा ही काम करेंगे, आप निकालेंगे R is equals to V2 minus V1 divided by I2 minus I1, ठीक। इस तरीके से आप इस फॉर्मूला को लगा करके अपना काम कर लेंगे बड़े ही आराम से, ठीक है। अगर मैं इसमें बात I1 की वैल्यू मैं स्पेसिफाई कर दूं, मैं कर देता हूं, इसकी मैं वैल्यू कर दूं आपका 1, और इसको कर दूं मैं 20, और इसकी वैल्यू कर दूं मैं आपका 1.5, और इसकी वैल्यू कर दूं मैं 30, ठीक है, ये इनकी वैल्यूज है। अब डाल के अंदर V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी है 30, V1 की वैल्यू कितनी है 20, माइनस I2 की वैल्यू कितनी है 1.5, माइनस I1 की वैल्यू कितनी है 1, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज इक्वल्स टू 20, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों के पास दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर। पहला तो ग्राफ का आ सकता है, कि ग्राफ दे देंगे उसके अंदर दो आपको कर्व दे देंगे, पूछेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, तो आप सिंपल सा करेंगे, जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। दूसरा, आप एक कर्व के ऊपर कोई दो पॉइंट दे दें जिसके कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आपको, तो आप सिंपल सा करिएगा V2 minus V1 divided by I2 minus I1, ठीक, इजी सा है। चलिए, ये हुआ आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। एक क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन क्या बोलता है, 50 एंड 2 एम्पीयर करंट फ्लोस थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स, ओके। ये किस तरीके से है, आपको क्या दे रखा है, R दे रखा है कितना 50 ओम, और I दे रखा है आपको 4.2 एम्पीयर। आपको बताना है करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इज दिस, फाइंड द वोल्टेज। तो अपने को पता है V इज इक्वल्स टू I इनटू R, दैट इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 4.2, ठीक। अच्छा,
एक ट्रिक सिखाता हूँ छोटी सी, आपको कभी काम आएगी। 55,000 ऐसा कुछ भी अगर टर्म आए ना, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से ही कर दें डिवाइड। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 500 क्या बन 50 क्या बन जाएगा आपका, 100 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 डिवाइडेड बाय 2। अब इस चीज को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो गया, कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो 2 से 4.2 को काटे क्या बनेगा, ये 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 210 वोल्ट्स। ठीक, तो ये सिंपल सा है, एक ट्रिक थी। समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 4.2 से। बाकी कभी भी 550,000 ऐसा कुछ आता है तो आप ट्रिक इजीली यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस। मतलब अभी तक अपन ने जो रेजिस्टेंस की बात करी वो हमेशा एक रेजिस्टेंस था पूरे सर्किट के अंदर। अभी यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस होंगे एक ही सर्किट के अंदर, अलग अलग फैशन के अंदर जुड़े हुए, अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़े हुए। कई बार वो सीरीज में होंगे, कई बार पैरेलल में होंगे, और कई बार सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप अच्छे से अगर ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं हम लोग शुरू। चलिए पहला क्या बोलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि दो रेजिस्टेंस है वो एक के आगे एक लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिए एक बार, इसको घूर के देखिए कि किस तरीके से लगा हुआ होता है। इसका मतलब क्या है, टर्मिनल, फर्स्ट टर्मिनल रेजिस्टेंस R1 का, सेकंड टर्मिनल R1 का, इसी से फर्स्ट टर्मिनल R2 का जुड़ा हुआ है, और फिर R2 के सेकंड टर्मिनल से फर्स्ट टर्मिनल जुड़ा हुआ है R3 का, और फिर आगे जुड़ा हुआ है R3 का सेकंड टर्मिनल। मतलब टर्मिनल टू टर्मिनल, टर्मिनल टू टर्मिनल जुड़े हुए हैं, फर्स्ट इसका सेकंड इसका, फर्स्ट इसका सेकंड इसका, फर्स्ट इसका सेकंड इसका। समझ में आया, तो ये फर्स्ट टर्मिनल इसका है, सेकंड इसका है। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्मिनल इसके सेकंड से, फिर इसका सेकंड टर्मिनल इसके फर्स्ट टर्मिनल से, और फिर इसका सेकंड टर्मिनल। ठीक है, तो 2 1 2 1 2 1 इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। हमेशा आप ध्यान रखें, फर्स्ट का सेकंड टर्मिनल सेकंड के फर्स्ट टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, तब आप इसको क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, अदरवाइज हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे। डन, चलिए करते हैं इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस। अब इसमें निकालना है कि सर्किट का अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, मतलब नेट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट का। तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, लेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी, लेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बी बी कैपिटल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब इसके बारे में हम दो इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा। ये भी एक वो क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाएगा, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में भी अल्टरनेट आता रहता है। कभी सीरीज का पूछेंगे तो अगली बार पैरेलल का पूछेंगे, सीरीज का पूछा तो पैरेलल का अपने को न्यूमेरिकल दे देंगे, और पैरेलल का डेरिवेशन पूछा तो सीरीज का न्यूमेरिकल दे देंगे। इस तरीके कॉम्बिनेशन के अंदर ही क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी कॉपी में अभी दो बार कर लीजिएगा, एक बार देख करके और एक बार बिना देखे। ठीक है, इसमें देखें यहाँ क्या है, R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप इस रेड डॉट को देख रहे हैं तो वो इस सर्किट के अंदर करंट के फ्लो को डिनोट कर रहा है। तो आप देखें दैट करंट इज फ्लोइंग सेम। ठीक है, जो करंट R1 में दौड़ रही है वही R2 में दौड़ रही है, और वही क्या दौड़ रही है, R3 में दौड़ रही है। यहाँ उस करंट का कोई विभाजन नहीं हो रहा है, इट इज नॉट डिवाइडिंग। जितनी आ रही है सबके अंदर सेम आ रही है, देखिए जितनी आ रही है सब में सेम आ रही है, किसी में अलग अलग करंट नहीं आ रही है। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज ऑलवेज सेम। ठीक, सेकेंड पॉइंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसके अंदर जो आपका रजिस्टर है उसके रेटिंग पे डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर कितना ज्यादा पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएगा। ठीक है, हायर द रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस हायर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इट। अब रेटिंग का मतलब क्या है, जैसे 1 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 3 ओम का रेजिस्टेंस, 1000 ओम का रेजिस्टेंस, तो जितना ज्यादा ओम का रेजिस्टेंस होगा वो अपने ऊपर उतना ही ज्यादा पोटेंशियल को ड्रॉप करवाएगा,
बिकॉज अगर हमें ओम्स लॉ के हिसाब से बात करें, ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज इक्वल्स टू आई आर, मैंने क्या बोल दिया, आई तो क्या है कॉन्स्टेंट, ठीक है, अगर आई कॉन्स्टेंट है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा वी, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया नॉर्मल सा, दैट वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल ड्रॉप पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज. तो लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन द रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस. हायर विल बी द रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस, हायर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इट, लोअर विल बी द रेटिंग, लोअर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप. ठीक, चलिए अब हम करते हैं इसके आगे की बातें, नाम लिख लीजिएगा, जगह पड़ेगी अगला. ठीक, तो इस केस में क्या होगा, सिंपल सा, जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच रेजिस्टेंस V1, V2, V3. अपन ने माना V1 है वो पोटेंशियल ड्रॉप है R1 पे, V2 जो पोटेंशियल ड्रॉप है R2 पे, V3 जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो है R3 पे. तो जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो आपका V है, ये इन तीनों का सम होगा, जितना पोटेंशियल है हमारे पास इन टोटल, वही तो हम तीनों में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा तो कहां से लाएंगे. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक, अपन इसको इक्वेशन में नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ बाय ओम्स लॉ, इफ आई अप्लाई नॉर्मल ओम्स ऑन दिस होल सर्किट, देन नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द नेट करंट मल्टीप्लाइड बाय नेट रेजिस्टेंस. ठीक है, जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है वो बराबर होगा टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस से. तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, इसके आगे अब मैं देखू वी वन पे, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली आर वन की, तो आर वन में देखें तो वो क्या है, तो वी वन इज इक्वल टू आर वन इंटू आई. अब यहां पे आई वन मत करना, यहां पे गलती से भी आई वन मत करना, इसकी वजह यह है जो आपका आई है वो सबके अंदर क्या है, सेम है, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3. अच्छा, अगला, तो वैसे ही वी टू अगर देखेंगे तो क्या आएगा, आर टू आई, इसका इक्वेशन हो जाएगा 4. अगला, तो अपन तीसरे को देखेंगे तो क्या आएगा, वी थ्री इज इक्वल टू आर थ्री इंटू आई थ्री, नहीं आई ओनली आई, यहां पर आ जाएगा आपका वी. ठीक, चलिए डन, यहां तक आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. तो अगर मैं यूजिंग इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव इन इक्वेशन 1, ठीक है, मैं सारी इक्वेशन को किसमें, इक्वेशन 1 में यूज करूं तो क्या होगा, मेरी इक्वेशन 1 क्या थी, क्योंकि मैंने मिटा दिया है तो आपको बता देता हूं, वो है v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3. ठीक है, v क्या था मेरी सेकंड इक्वेशन के हिसाब से, आई आर इक्विवेलेंट, v1 क्या था आई आर 1, v2 क्या था आई आर 2, v3 क्या था आई आर 3. ठीक, i में दोनों साइड से कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो r इक्विवेलेंट क्या आएगा मेरा, R1 प्लस R2 प्लस R3. ठीक, चलिए लिख लीजिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है तो जो आपका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3. चलिए, इसके बाद में आपको एक चीज और समझनी है, नॉर्मल सी है वो, जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा, जो आपका R इक्विवेलेंट आएगा दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन R मैक्स. इसका मतलब क्या हुआ वो समझें, अगर मैं आपको बोलता हूं R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, इस तरीके से है दैट R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, मतलब R1 का रेजिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, R2 छोटा रेजिस्टेंस है और R3 सबसे छोटा रेजिस्टेंस है, जो R इक्वल है दैट विल बी ग्रेटर देन R1. दिखती बात है क्योंकि R1 में सब कुछ प्लस ही हो रहा है,
तो 100% जो आपका आंसर है उससे बड़ा ही आएगा। एक्चुअली लॉजिक इसीलिए बताया क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको काफी नीडफुल रहेगा, बहुत हेल्प करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? इसके अंदर आपके सारे के सारे हेड जो होते हैं, सारे के सारे फर्स्ट जो इसके टर्मिनल है, जैसे इसका टर्मिनल वन, इसका टर्मिनल वन, इसका टर्मिनल वन, इसका टर्मिनल टू, इसका टर्मिनल टू, इसका टर्मिनल टू, तो सारे टर्मिनल वन 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 एक साथ जुड़े हुए, सारे टर्मिनल टू 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 एक साथ जुड़े हुए। तो जब टर्मिनल वन 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 एक साथ और टर्मिनल टू 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 सारे एक साथ, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जबकि सीरीज में अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट टर्मिनल अगले रेजिस्टेंस के सेकंड टर्मिनल से जुड़ा हुआ था, फिर उसका जो फर्स्ट टर्मिनल था सेकंड वाला, वो थर्ड के सेकंड से जुड़ा हुआ था। तो इस तरीके से वन टू वन टू वन टू वाली आपकी क्या बन रही थी? चेन बन रही थी। जबकि इसके अंदर क्या बन रहा है? वन 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 सारे एक साइड, टू 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 सारे एक साइड। ठीक, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक, अब इसके अंदर अगेन दो इंपॉर्टेंट चीजें लिखना मेरे साथ में बहुत जरूरी है। पहली चीज, जो इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान दें। तो जैसे इधर आएगी ना, तीन पार्ट में बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आती है ना, थ्री पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब जो मेरा करंट है वो सेम नहीं है सबके अंदर, ठीक है, सबके अंदर क्या है? करंट अलग अलग है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी कम वो अपने अंदर से करंट फ्लो होने देगा। ठीक है, जो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। हायर द रेजिस्टेंस, लोअर विल बी द करंट। लोअर विल बी द रेजिस्टेंस, हायर विल बी द करंट। इन दोनों के बीच कैसा प्रोपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो पहली चीज आप लोग लिखें दैट करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन द रेटिंग ऑफ द रेजिस्टेंस। Higher the rating of the resistance, lower will be the current flowing through it. Whereas lower will be the resistance of the resistance, lower will be the rating of the resistance, higher will be the current flowing through it. ठीक है, ज्यादा resistance कम current, कम resistance ज्यादा current. चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम इस चीज को समझ चुके हैं। अच्छा, अगली चीज, अगर आप potential drop देखेंगे तो जितना लग रहा है उतना पोटेंशियल अंदर भी लग रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। सेकंड पॉइंट है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। ठीक, चलिए, तो इन सब के ऊपर पोटेंशियल v v v हो गया, पर करंट क्या हो गया? इसमें i1 हो गया, इसमें i2 हो गया, और इसमें i3 हो गया। अगेन वही अपना फार्मूला, लेट r इक्विवेलेंट बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, लिख लीजिएगा। चलिए, तो अगर मैं अगर एक नॉर्मल सी चीज देखूं, तो जो टोटल करंट है सर्किट की, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अगर मैं हर एक रेजिस्टेंस पे अलग 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 ओम्स लॉ लगाऊं और एक बार पूरे सर्किट पे ओम्स लॉ लगाऊं, तो मेरे को फिर से चार इक्वेशन मिलेगी। उन इक्वेशन को मैं यहां पर ला करके रखूंगा। नेक्स्ट देखें, बाय ओम्स लॉ V is equals to IR, so I can say that I is equals to V divided by R. True? ठीक, तो अगर मैं ohms law लगाता हूँ on complete circuit, तो total current is equals to total potential divided by total resistance. ये हो गई equation number 1. अगला, I1 पे बात करो, I1 is equals to R1 और V, दो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आएगा V divided by R1, ये हो गई आपकी equation 2। ये देखो V का V रहा है, क्योंकि हर किसी के ऊपर V तो क्या है? सेम है, चाहे R1 हो, चाहे R2 हो, चाहे R equivalent हो। ठीक, I3, I2, तो हो जाएगा V divided by again R2। तो I3 is equals to V divided by R3
3 and let this be equation 5. Okay, बहुत ही आसान, नोट कर लिया आपने, मैं इसको इरेज कर रहा हूं. ओके, अगर मैं सारी की सारी इक्वेशंस को, इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 को अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो देखते हैं क्या मिलता है. यूजिंग इक्वेशन 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1. ठीक, अगर मैं इन तीन इक्वेशन, चार इक्वेशन को इक्वेशन 1 में यूज करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा देखते हैं. चलिए देखें, तो अपना इक्वेशन था क्या, I is equals to I1 plus I2 plus I3. तो I की जगह मेरे पास क्या आया था, V divided by R equivalent. I1 की जगह क्या आया था, V divided by R1. इसकी जगह आया था V is equal to R2. यहाँ आया था V divided by R3. V को कॉमन लेके मैं क्या कर सकता हूँ, गेन काट सकता हूँ, मेरे को मिलेगा 1 upon R equivalent is equals to 1 upon R1 प्लस 1 आर 2 प्लस 1 अपॉन आर 3. ठीक, तो इस चीज को आप लोग लिख लें और नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. गेन के अंदर वो देखें रिलेशन, ये इस तरीके से होता है, जो इसके अंदर आर इक्विवेलेंट निकलेगा आपका दैट विल ऑलवेज बी लेस देन आर मिनिमम. मतलब जो आपका आर मिनिमम होगा उससे क्या होगा, हमेशा आर इक्विवेलेंट छोटा होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्किट में बोलता हूं दैट आर थ्री इज लेस देन आर टू इज लेस देन आर वन, छोटा कौन सा दिखा इसके अंदर अपने को, सबसे छोटा दिखा अपने को आर थ्री. ठीक है, सबसे छोटा आर थ्री दिखा, तो दैट आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी इवन लेस देन आर थ्री. जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटा हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा. ठीक है, चलिए डन. थैंक यू फॉर टुडे, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ओम्स लॉ और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे. चलिए टिल देन आप अपना जो शीट्स हैं वो कंप्लीट कर लें, जो आपको होमवर्क अभी असाइनमेंट जो आपको दिया जाएगा उसको करने की कोशिश करेंगे. डन, थैंक यू.